नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही। जी हां, जिस तरीके से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा गया कि ब्रिजभूषण पर लगे हुए आरोपों को जल्द से जल्द आरोप घोषित करने का और आरोप तय करने का काम कोर्ट करे, अपील करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि यहां पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई यौन शोषण के आरोप लगे हैं और इस पर कोर्ट को जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए यहां पर आरोप साबित करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत का कहना है कि विदेशों में किए गए यौन उत्पीड़न का अधिकार हमारे यहाँ पर यानी कि कोर्ट के पास नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है, लेकिन भारत में जो आरोप हुए हैं और जो यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ, उस पर यहाँ पर जल्द से जल्द आरोप तय करने की कोशिश में है यहाँ पर दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक विशेष याचिका दायर करके कहा गया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत जो है वो पर्याप्त है और ऐसे में कोर्ट यहाँ पर उनके ऊपर आरोप तय करने में अपनी जल्दबाजी दिखाए। आपको बता दें कि 20 जनवरी को ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी। आपको बता दें कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसे नामी खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप में संलिप्त ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक महीने से ज्यादा वक्त तक दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनसे WFI अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली गई थी। इसके बाद खिलाड़ियों ने जब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और उस याचिका में ये कहा गया कि जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में नहीं चले जाते या उनके ऊपर आरोप जो चल रहे हैं उन पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक यहां पर WFI के चुनाव ना करवाए जाए। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद WFI में चुनाव का रास्ता साफ हो गया था। इसी के साथ साथ संजय सिंह, जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में नई फेडरेशन का गठन हो गया था, लेकिन महज 3 दिन के दौरान ही नई फेडरेशन को भंग कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि नई फेडरेशन ने जो ऐलान किए हैं, जो फैसले लिए हैं, वो खेल नियमों का उल्लंघन करते हैं और ऐसे में तमाम खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से एक बार फिर अपनी एकजुटता दिखाई और बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने जिस तरीके से फिर से विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद WFI को फिर से सस्पेंड कर दिया गया। उन खिलाड़ियों का कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सत्य हैं। देश की बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, देश के मान सम्मान के खिलाफ यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुकृत्य किए हैं और ऐसे में हम जब तक उन बेटियों को न्याय नहीं मिलता है हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अब देखना यही होता है कि कोर्ट कितनी जल्दी ब्रिजभूषण शरण सिंह को आरोपी मानता है और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।